नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड के संबंध में। अगर आप वीडियो बनाते हैं, YouTube पर आपका चैनल है और उस पर आप रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि YouTube के एल्गोरिथम के हिसाब से आपको किस टाइम पर या किस समय अपना वीडियो अपलोड करना है। बहुत से लोगों से जब बात करते हैं या बहुत से वीडियोस भी आप देखेंगे तो उसमें बहुत से लोग बताते हैं कि वो कभी भी वीडियोस अपना अपलोड कर देते हैं। मान लीजिए सुबह कभी 6 बजे डाल दिया, वीडियो बन गया, तो कभी दिन में 12 बजे डाल दिया, कभी शाम को 5 बजे डाल दिया, कभी रात को 11 बजे डाल दिया। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग टाइम पर वीडियो डालने से क्या फ़ायदा या नुकसान होता है और एक समय पर वीडियो डालने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने वीडियो बनाया और आप वीडियो को डाल रहे हैं अलग अलग समय पर और मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपका पहला वीडियो देखा शाम को 4 बजे और आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। अब क्या होगा कि मेरे दिमाग में ये बात रहेगी कि कल आपका वीडियो फिर शाम 4 बजे आएगा, मेरे पास टाइम भी 4 बजे होता है, तो मैं 4 बजे आऊँगा, आपका वीडियो देखेंगे, अगर उसमें वीडियो नहीं आया है तो फिर वापस चला जाऊँगा। मान लीजिए मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन मैंने आपका चैनल का नाम याद है मुझे और मैं जब भी आता हूँ चैनल सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद मैं आपका वीडियो ढूंढ के देखता हूँ आपके चैनल पर जाकर। उस दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, मैं चला जाऊँगा। अगले दिन मैं आया, अगले दिन भी मैंने वीडियो आपने नहीं डाला और मैं चला जाऊँगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो सब्सक्राइबर हैं या जो सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं आपको, वो आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। कारण क्या है कि मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, शायद जल्दी समझ में आए। मान लीजिए आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं या ट्यूशन पढ़ने जाते हैं और वहाँ आपकी क्लास का टाइम है 4 से 5, और अगर आप 3 बजे जाएं या 6 बजे जाएं तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका जो टाइमिंग वो तो चला गया, आप कोई और वहाँ बैठा हुआ है, बात समझ रहे ना, कोई और वहाँ पढ़ रहा है, आपके लिए वहाँ सीट नहीं है, वो किसी और क्लास का स्टूडेंट है, वो पढ़ेगा, आपके लिए टाइम गया। तो ठीक वैसे ही है, मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट है आपके चैनल में, आप फूड का चैनल बनाते हैं और आप वीडियो डाल रहे हैं हर रोज़ 6 बजे या 5 बजे, तो मैं अपने हर रोज़ 5 बजे इंतज़ार करूँगा आपके उस वीडियो का कि देखें आज क्या नया होगा, कि देखें आज क्या नया होगा, हर दिन का यही रहता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने जो वीडियोस हैं जो अपलोड करते हैं उसमें एक रेगुलरिटी लाइए, कंसिस्टेंसी लाइए। मान लीजिए आप हर दिन वीडियो डाल रहे हैं तो हर दिन वीडियो डालिए, और अगर आपने एक टाइम फिक्स कर रखा है दिन में 2 बजे या शाम को 4 बजे या सुबह 11 बजे, तो वो टाइम फिक्स कर दीजिए। आपको पता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो सुबह 11 बजे एक्टिव होती है, तो आप सुबह 11 बजे वीडियो डालिए, लेकिन डेली एक ही टाइम पर डालिए। अगर आप एक दिन छोड़कर वीडियो डाल रहे हैं तो एक दिन छोड़कर डालिए, लेकिन टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, उसी टाइम पर आपका वीडियो आना चाहिए। आप शाम को 5 बजे वीडियो डाल रहे हैं, हफ्ते में 3 वीडियो डालते हैं, तो हफ्ते में 3 ही डालिए, लेकिन शाम को जो टाइम आपने फिक्स कर रखा है उस टाइम पर आपका वीडियो आ जाना चाहिए। अगर उस टाइम पर आपका वीडियोज़ नहीं आएगा तो उसकी रीच कम हो जाएगी, लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। जब तक आपका नया चैनल है, तब तक आपको ये चीज़ें खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी कि किस टाइम आप डालते हैं तो आपके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने चैनल को मैनेज कीजिए। जब कुछ सब्सक्राइबर आपके हो जाएंगे, कुछ वीडियोस आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद YouTube का एक हिस्ट्री आती है बनके। जब आप YouTube खोलेंगे और YT स्टूडियो में जाएंगे, YouTube के स्टूडियो में जाएंगे और उसमें एनालिटिक्स का एक ऑप्शन होता है, एनालिटिक्स पर जाएंगे तो वहाँ जब ऊपर आप देखेंगे तो उसमें एक ऑडियंस का ऑप्शन आता है। उस ऑडियंस के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एक ग्राफ दिखेगा। उस ग्राफ में आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जाके टाइम दिखाएगा आपको, जहाँ पर डार्क होता जाएगा, पिंकिश लाइन आएंगी, जो ज़्यादा डार्क होती जाएंगी, समझ लीजिए वहाँ पर आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा एक्टिव हैं, जो आपकी तरह के वीडियो या आपके वीडियो ज़्यादा देखते हैं या आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके सब्सक्राइबर YouTube पर कब आते हैं, तो आप जब वो YouTube पर होते हैं तब आप वीडियो डालेंगे तो उन तक पहुँचेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखेंगे और उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो मैं अभी सिस्टम पर नहीं हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको साइड में यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मैं दे दूँ जिसमें मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह की लाइनिंग आती रहेंगी और आपके लिए क्लियर हो जाएगा इस चीज़ को समझना। फ्यूचर में मैं
अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी इस तरह का वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा कि कहां पर इस तरह के नीचे जो ऑडियंस है, ऑडियंस का ग्राफ दिखाता है कि वो किस समय एक्टिव है। तो YouTube ये खुद चीज़ तैयार करके देता है, यानी अपनी एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में जाकर ऑडियंस के पैनल में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को मैनेज करना। लेकिन जब तक आपके चैनल पर वीडियोस कम हैं, व्यूज़ कम हैं या ऑडियंस कम है, तब तक उनके पास पर्याप्त डेटा नहीं होगा, सफिशिएंट डेटा नहीं होगा जिससे वो आपको वो चीज़ें बना के या तैयार करके अपने आपके चैनल पर वो दिखा पाए। तो कुछ दिन आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा, फिर YouTube आपको खुद बताएगा कि आपके किस समय पर ऑडियंस ज़्यादा होती है। आप उस समय पर अपना वीडियो अपलोड कीजिए और उस वीडियो अपलोड करने से आपके व्यूज़ बढ़ेंगे और आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा। तो आज की जानकारी सिर्फ इतनी ही थी कि आप वीडियो को किस समय पर अपलोड करें कि आपका चैनल जल्दी ग्रो हो। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में किसी ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।